आज जिस कांग्रेस पार्टी को हम मूल रूप से कांग्रेस का रूप मानते हैं, जिसे असली कांग्रेस मानते हैं, वो असल में असली कांग्रेस है ही नहीं। सच्चाई ये है कि स्थापना से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी करीब 70 बार टूट चुकी है, यानी इसके 70 टुकड़े हो चुके हैं और इसके कई बड़े बड़े नेता अपनी अलग अलग पार्टियां बना चुके हैं। तो ये कैसे पता चले कि कौन सी असली कांग्रेस है और कौन सी नकली कांग्रेस है, क्योंकि ये सारी पार्टियां कांग्रेसियों ने ही बनाई हैं। मौजूदा कांग्रेस पार्टी भी इन्हीं में से एक है, जिसकी स्थापना इंदिरा गांधी ने वर्ष 1978 में इमरजेंसी के बाद की थी, तब इसे कांग्रेस आई कहा जाता था। इसके अलावा कांग्रेस आई का मतलब कांग्रेस इंदिरा। इसके अलावा वर्ष 1923 में जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू खुद भी कांग्रेस से अलग हो गए थे और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। हालांकि बाद में उन्होंने इसका विलय कांग्रेस में कर दिया था। इसी तरह सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जेबी कृपलानी, भारत के पहले गवर्नर सी राजगोपालाचारी, के कामराज, मुरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, शरद पवार, ममता बनर्जी और वाईएस जगनमोहन रेड्डी भी पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टियां बनाई हैं। इसी तरह आपने देखा होगा मुफ्ती मोहम्मद सईद जो हुआ करते थे कांग्रेस के कश्मीर में, जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अब उनकी बेटी पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम है पीडीपी। और कई राज्यों में आज कांग्रेस इन्हीं पार्टियों के सामने आपको बहुत कमज़ोर नज़र आती है। कई राज्य तो ऐसे हैं जहां पर इन्हीं पार्टियों की सरकारें आज चल रही हैं, जैसे ममता बनर्जी की सरकार है पश्चिम बंगाल में और कांग्रेस उनके सामने आज बहुत छोटी पार्टी है। जब समझौता भी होता है तो कांग्रेस उसमें जूनियर पार्टनर होती है। ऐसे ही महाराष्ट्र में भी कांग्रेस एक जूनियर पार्टनर के तौर पर है। इसी तरह आप जम्मू कश्मीर की स्थिति भी देख सकते हैं, जब पीडीपी के साथ वो चुनाव लड़ते थे या जब फारूक अब्दुल्ला के साथ चुनाव लड़ते थे तो जूनियर पार्टनर रहते थे, क्योंकि मुख्यमंत्री उन पार्टियों का रहता था। तो कांग्रेस की स्थिति आज ये है कि जो लोग एक ज़माने में कांग्रेस के नेता कांग्रेस में ही थे, अब उन्होंने अपनी पार्टियां बना ली और अब उन पार्टियों के साथ कांग्रेस एक जूनियर पार्टनर है। कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को आज आप इस चित्र से समझ सकते हैं। आज़ादी के बाद देश के पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी लोकसभा की 489 में से 364 सीटें जीतकर आई थी। इसके बाद कांग्रेस ने 55 वर्षों तक इस देश पर शासन किया, लेकिन आज कांग्रेस के हाथ बहुत कमजोर हो चुके हैं। एक जमाना ऐसा था जब लोग कहते थे कि या तो कांग्रेस की सरकार बनेगी या कोई भी दूसरी सरकार ऐसी बन नहीं सकती जो बिना कांग्रेस के समर्थन के आए, यानी समर्थन जरूरी है। लेकिन 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 52 लोकसभा सीटें ही मिली थी, अब ये उसकी मौजूदा स्थिति है। इसके अलावा 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से सिर्फ 3 राज्यों में ही कांग्रेस की अपनी बहुमत की सरकार है, जबकि बीजेपी की इस समय 12 राज्यों में बहुमत की सरकार है। तो क्योंकि कांग्रेस आज भी प्रमुख विपक्षी दल मानी जाती है और बहुत सारे लोगों को कांग्रेस के इतिहास के बारे में आज पता नहीं होगा, इसलिए आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर 136वें यानी 136 साल की ये पार्टी हो चुकी है, देश के हर नागरिक को और देश के हर वोटर को कम से कम अपने देश की इस सबसे पुरानी कांग्रेस के पार्टी के इतिहास के बारे में तो जरूर पता होना ही चाहिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।